आज एनसीसी के कर्नल छिब्बर ने विदिशा में संचालित राजुल विकलांग केंद्र का भ्रमण किया। उन्होंने और उनकी टीम ने विकलांग और अपंगता से पीड़ित बच्चों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें खाद्य सामग्री भी वितरित की। अभी प्रदूषण बिल्कुल ना करें। अगर किसी से बात करनी है शांत स्वभाव से बात करें। जब तक आप लोग सरकार ने नहीं तो मजबूरी को अपने गलों का कभी कभी बहुत समस्या मैं लेफ्टिनेंट कर्नल यश छबर हूँ। मैं एडम ऑफिसर 14 MP बटालियन जो विदिशा के अंदर है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे पास वो तकरीबन 3200 बच्चा है, और हम दो डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं जिसमें हम एनसीसी ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, रायसेन और विदिशा। हमारे नीचे टोटल तकरीबन 12 कॉलेज और 22 स्कूल आते हैं। हम जो एनसीसी के विद्यार्थी हैं जो हमारे पास एनरोल होते हैं उनको ए बी और सी सर्टिफिकेट की तैयारी कराते हैं, जिस करके उनकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उसमें उनका 10%, किसी में 5% उनमें मार्क्स मिलते हैं, एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। आज हम इस आश्रम में आए हैं बच्चों के लिए जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको मिलने के लिए आए हैं, और अपनी तरफ से जो भी हम दे सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं वो हमने की है। और साथ में हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं अपने जो एनसीसी के बच्चे हैं कि वो भी आके इनकी सेवा करें, इनसे सीख लें और ये देखें कि इतना कुछ फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप होने के बावजूद भी ये लोग इतना अपने जीवन के अंदर किस किस परेशानी का आगे ये कर रहे हैं।